अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू फूड डायरीज़। मैं हूँ आपकी ज़ारनक सिद्वा और आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार से दो डिशेस। एक तो है साबूदाना के साथ। बहुत कम हम डिज़र्ट साबूदाना के साथ बनाते हैं। जब पेट ख़राब होता है तो हम साबूदाना की कांजी बना के खा लेते हैं या पी लेते हैं, लेकिन इससे बहुत अच्छे डिज़र्ट्स बन जाते हैं। दो साइज़ में मिलते हैं आपको सेगो, यानी साबूदाना इस तरह के छोटे पर्ल्स होते हैं जो सोक किए हैं मैंने 3-4 घंटे पानी में, ठीक है। और इससे हम बहुत मज़ेदार सी खीर बनाएंगे। स्ट्रॉबेरीज़ आर इन सीज़न, तो हम स्ट्रॉबेरीज़ को पकाएंगे भी। स्ट्रॉबेरीज़ को स्लाइस करके ड्राई फ्रूट्स या नट्स के साथ आप उसको पेश करिएगा, बहुत मज़ेदार सी ये खीर बनती है। मैंने सिर्फ 3/4 कप साबूदाना लिया था, सोक कर दिया था 4-5 घंटे इसको पानी में, ठीक है। तो देखें इस तरह ये सोक होके पूरे बड़े हो जाते हैं। फिर यहाँ मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही 1 लीटर दूध गर्म करने रखा है, उसमें हम डालेंगे 1/2 कप जितनी चीनी, ठीक है। यहाँ मेरे पास स्ट्रॉबेरीज़ हैं। अब मेरे पास थोड़े से घर में फ्रोज़न स्ट्रॉबेरीज़ भी थे, तो मैंने ये फ्रोज़न स्ट्रॉबेरीज़ को इसमें डालना है बिकॉज़ इसको हमें पूरा पकाना है। और इसमें हम थोड़ी सी चीनी डाल देंगे और इसको मैं पका दूँगी यहाँ, ठीक है। फिर जब दूध ठंडा हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, जिसमें हम साबूदाना पकाएंगे, और उसके बाद जब हम दोनों चीज़ों को ठंडा करेंगे तब इसको मिक्स करके किसी ग्लासेस में या डिश में या इंडिविजुअल बोल्स में हम इसको निकालेंगे। ये स्ट्रॉबेरीज़ और ये नट्स तो हम डेकोरेशन में यूज़ कर लेंगे, ठीक है। और दूध जब उबालेंगे तो उसमें हम साबूदाना डालेंगे, इलायची का पाउडर डालेंगे, छोटी हरी इलायची का ये पाउडर है। मैं घर में छोटी हरी इलायची लेके उसको पीस लेती हूँ, फिर छान लेती हूँ, फिर दोबारा पीसती हूँ, और इस तरह फिर ये फ़ाइन पाउडर बन जाता है। जो मार्केट में इलायची पाउडर मिलता है उसमें तो कोई खुशबू फ्लेवर कुछ होता ही नहीं है, सो आई रियली डोंट नो वो कब से पड़ा हुआ होता है। दूध का ख्याल रखिएगा कहीं ये उबल ना जाए ज़्यादा। सो दूध जब गर्म हो जाए तब आप इसमें चीनी शामिल करेंगे, ठीक है, और यहाँ जो साबूदाना है वो मैं डालूँगी। ओके, मीनवाइल स्ट्रॉबेरीज़ को आप पकाइए, आपके पास फ्रीज़र में पड़ी हुई हों। अच्छा, हमेशा स्ट्रॉबेरी सीज़न आती है तो लोग हमें, हमारे व्यूअर्स हमें मैसेज करते रहते हैं, पूछते रहते हैं कि स्ट्रॉबेरीज़ को हम किस तरह पूरा साल सेव करके रख सकते हैं। तो मैंने हमेशा बताया है कि जितनी स्ट्रॉबेरीज़ हों उतनी ही चीनी लीजिए, डब्बा भर के रख दीजिए, ठीक है। और स्ट्रॉबेरीज़ अंदर चीनी के साथ अंदर वो पूरी कवर्ड हों, और उसके बाद आप उसमें थोड़ा सा लेमन जूस भी डाल सकते हैं। उसके बाद आप उसको फ्रीज़ कर दीजिए, थोड़े दिनों बाद आप देखेंगे तो वो जैमी से हो जाएंगे, थोड़ा सा वो पानी छोड़ देता है, ठीक है। और आप उसको पका के फिर जैम भी बना सकते हैं, आप उसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। सो इसको मैं ब्रेक डाउन कर रही हूँ स्ट्रॉबेरी के पीसेस को। आप साबुत भी रख सकते हैं, हमारे नंबर्स भी चल रहे हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं, कुछ पूछना है, कुछ कहना है। उप्स, पहले मैं इस पर कॉन्सेंट्रेट कर लूँ, इसको ज़रा ब्रेकअप कर लूँ। अच्छा जी, इसकी आँच बिल्कुल कम रखनी है मुझे। चीनी मैंने इसमें डाल दी थी और अब हम इसमें साबूदाना भी डालेंगे। साबूदाना डालना है आपने और आपने इसको पकाना है। साबूदाना बिल्कुल गल जाएगा, ठीक है। बहुत थोड़ा सा पानी था इसलिए मैं पानी के साथ ही डाला है। लेट दिस कुक। जब स्ट्रॉबेरीज़ बिल्कुल ठंडे हो जाएंगे आप उनको ब्लेंड भी कर सकते हैं, आप साबुत भी डाल सकते हैं, एनी वे यू लाइक। अच्छा, आज की नेक्स्ट रेसिपी हरा लहसुन, ग्रीन गार्लिक, ये मैंने देखें काट के यहाँ रखा है। जब भी सीज़न में आता है तो हमेशा उसका कुछ ना कुछ हम बनाते हैं। मुझे तो ग्रीन गार्लिक एग्स बहुत अच्छे लगते हैं, स्क्रैम्बल्ड अंडा जैसे बनाते हैं ना, उसके अंदर मैं वो डाल देती हूँ। सो मैं क्या करती हूँ, थोड़ा सा मक्खन गर्म करती हूँ पिघल जाए, तो उसमें ये ग्रीन गार्लिक, हरी मिर्च, और फिर मैं उसमें एक हरा प्याज डाल के उसको सॉटे कर देती हूँ। फिर उसमें 2 अंडे डाल दीजिए, थोड़ा सा चीज़ डाल दीजिए, दूध डाल दीजिए, नमक, काली मिर्चें डाल दीजिए, और मज़ेदार सा आपका ग्रीन गार्लिक एग्स रेडी हो जाएगा। ग्रीन गार्लिक इज़ वेरी गुड फॉर हेल्थ, आप इसको ज़रूर घर लाइएगा। इस सीज़न बहुत ही कम इसकी छोटी सी सीज़न होती है। ये देखें, जैसे ही ये थोड़ा सा जैमी सा हो जाएगा और स्ट्रॉबेरीज़ हमारे पक जाएंगे, तो फिर मैं इसको ठंडा करने के लिए किसी और बोल में निकाल के फ्रिज में रख दूँगी। मीनवाइल यहाँ से हिलते नहीं हैं बिकॉज़ दूध को जब भी उबालने रखते हैं और ज़रा इधर उधर हुए ना तो फिर ये पूरा ओवरफ्लो हो जाता है, चूल्हा भी ख़राब हो जाता है।
चूल्हा साफ़ करने के लिए थोड़ा सा सोडा जो होता है हमारा बेकिंग सोडा वो डाल के छोड़ दीजिए, जस्ट अ लिटल टिप मुझे अभी याद आई, और फिर उसको आप अच्छी तरह साफ़ करिए। हर रोज़ किचन और चूल्हा शाम को रात को सोने से पहले साफ़ करके सोते हैं ताकि फिर वो दाग नहीं बैठ जाएं, और वो बहुत सारी चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। जिस तरह हम बर्तनों का ख़ास ख्याल रखते हैं और इस तरह के नॉनस्टिक बर्तनों में स्टील के चमचे नहीं चलाते हैं, स्पैचुलाज यूज़ करते हैं, ठीक है, तो उसी तरह आप किचन में दूसरी चीज़ों का भी ख़ास ख्याल रखा करें। हर चीज़ महंगी हो गई है, सो मेक श्योर कि आपके स्टोव टॉप्स भी साफ़ हों, काउंटर्स भी साफ़ हों। ये देखें ये हो रहा है, थोड़े से स्ट्रॉबेरीज़ में मैं लाई हूँ फॉर डेकोरेशन, और मैं नट्स लाई आई हूँ, कोई भी नट्स आप डाल सकते हैं, मेरे पास बादाम और पिस्ते हैं। इसका मैं चूल्हा बंद कर देती हूँ और इसको किसी और चीज़ में निकाल के फ़ौरन मैं थोड़ी देर के लिए इसको फ्रीज़र में रख दूँगी। अब आप पे डिपेंड करता है, आप एक डिश में या जब भी बोल में किसी भी चीज़ में सर्व कर रहे हो, ये साबूदाना की खीर उसको आप ऐसे ही प्लेन करिए, वाइट रखिए, और फिर ऊपर से आप टॉप कर दीजिए जब ये ठंडा हो जाए तब विद दिस स्ट्रॉबेरी कॉम्पॉट, वरना क्या कर सकते हैं आप दोनों को मिक्स कर सकते हैं। ठीक है जी, ये हो गया चीनी के साथ स्ट्रॉबेरीज़ को बस हमने पका लिया था, और अगर आपने फ्रीज़ कर दी है स्ट्रॉबेरीज़ को चीनी के साथ तो फिर और मज़ीद चीनी नहीं डालिएगा, उसी को बस पका लीजिएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा जैमी सा हो जाए। अब मैं इसको एक डिश में निकाल देती हूँ और हम ब्रेक भी ले लेते हैं। ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो फिर हम दूसरी रेसिपी शुरू करेंगे, इसको भी देखेंगे। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए, देखते रहिए मसाला टीवी। सागू खीर अज्जा। सागू 3/4 कप, दूध 1 लीटर, चीनी 1/2 कप, पिसे इलायची 1/2 चाय का चम्मच, स्ट्रॉबेरी स्लाइस्ड 1 कप, चीनी 2 खाने के चमचे, पिस्ते और बादाम गार्निश के लिए। जी वेलकम बैक। मैं कब से इसको चला रही हूँ इसलिए कि अगर इसको छोड़ दिया तो नीचे लग जाएगा। देखें कंसिस्टेंसी देखिए अब, ठीक है। 1 लीटर दूध था, उसको आपने उबालना है, उसमें आपने चीनी डालनी है। बहुत ज़्यादा ओवर चीनी नहीं डालिएगा बिकॉज हमने स्ट्रॉबेरीज़ को भी पकाया है चीनी के साथ। ठीक है जी, स्ट्रॉबेरीज़ को अलग से मैंने एक पैन में पका लिया है और दोनों चीज़ों को मिक्स करेंगे जब दोनों चीज़ें ठंडी हो जाएंगी, गरम गरम में मिक्स नहीं करिएगा। सो इसको आपने उबालना है खीर को थोड़ा सा, हमेशा हम खीर में चावल डालते हैं ना, तो इस दफ़ा आप साबूदाना से बनाइए। देखें साबूदाना भी हमारे गल रहे हैं, अभी गले नहीं हैं, जब गल जाएंगे तो यू वोंट सी साबुत साबुत नज़र नहीं आएंगे, बिल्कुल वो जैसे ट्रांसपेरेंट से हो जाएंगे। ये देखें अभी नहीं हुए हैं, ओके, ये याद रखिएगा। अच्छा, फिर इसमें मुझे इलायची का, छोटी हरी इलायची का पाउडर डालना है। सो यर गोज़ इन छोटी हरी इलायची का पाउडर। आप चाहें तो थोड़े बादाम पिस्ते अंदर भी डाल सकते हैं, ऊपर भी डाल सकते हैं, जिस तरह आपको करना है। इलायची डाल दी, अब एसेंस की ज़रूरत नहीं है। ये देखें उठा के ऐसे देखिएगा। अब याद रहे कि इसको बहुत पतला नहीं रखना है और बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं पकाना है। बहुत गाढ़ा पका लेंगे आप तो फिर आप उसको खाएंगे कैसे, राइट? और उसके अंदर अभी तो हम डालेंगे स्ट्रॉबेरी कॉम्पॉट, जो मैंने स्ट्रॉबेरीज और चीनी पकाई है वो फ्रिज में रख दिया है एक अलग से बोल में, उस पैन में नहीं रखिएगा। उस पैन में रखेंगे वो गर्म गर्म ही रहेगा, उसको थोड़ा सा ठंडा करना है हमने, राइट? ये देखें अब इस वक्त कुछ और नहीं कर रहे हम, फिश पे नहीं आएंगे अभी, वरना फिर ये ओवरफ्लो हो जाएगा। होता है ना हमेशा, वो एक टोटका भी है कि इस तरह आप चमचा रखें, बाज़ दफ़ा होता है, बाज़ दफ़ा ये पूरा चमचे के बगैर भी आ जाता है, चमचा रखें फिर भी आ जाता है। हमारे नंबर्स चल रहे हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं, कोई बात कहनी हो, कोई फीडबैक देना हो, कोई फरमाइश करनी हो, इस साइडों से भी अंदर लेते रहिए, इस तरह इसको चलाते रहिए। आई होप आप लोग सब आ रहे हैं अगला हफ्ता, सैटरडे संडे 17-18 फरवरी एक्सपो सेंटर कराची, वहाँ हमारा मसाला फैमिली फेस्टिवल हो रहा है, हम सारे शेफ्स होंगे, होस्ट होंगे, वहाँ एनिमल शो है, लाइव कॉन्सर्ट है, कुकिंग तो आप देखेंगे ही, हमसे मुलाकात भी करेंगे, और इसके साथ साथ इस दफ़ा तो बहुत ही अच्छे मेकअप के क्लासेस भी हैं, तो जिनको शौक़ है मेकअप सीखने का, इस तरह की सारी चीज़ें वो भी आप टिकट वाला से अपनी टिकट बुक कर सकते हैं। ये देखें, ये देखा, कैन यू सी, गाड़ी होती जा रही है। आप लोगों के पास टाइम हो तो हल्की आंच पे इसको छोड़ दीजिएगा। इलायची की खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। घर में जो चीज़ आप पीस सकें, जो मसाले आप घर में बना सकें, वो बेहतरीन रहता है। थोड़ा थोड़ा बनाइए, इवन गरम मसाला पाउडर मैं घर में पीस लेती हूँ, ये छोटी हरी इलायची, ज़ीरा भून के पीस लेती हूँ, जितना आप कर सकें। कुछ लोग तो घर में कच्ची हल्दी भी लाते हैं, उसको भी पीसते हैं खुद। ये देखें, देखा, थोड़ी देर बाद इस तरह उठा के देखिएगा तो वो जितना जल्दी गिरेगा नहीं। दैट्स द टाइम यू स्टॉप कुकिंग।
थोड़े से नट्स हम इसमें डाल देते हैं, जैसे कि बादाम, पिस्ते चॉप किए हुए या पिसे हुए आपके पास हो, ये भी आपके पास टाइम हो तो आप ये भी करके रख सकते हैं, छिलके के साथ, छिलके के बगैर, हाउएवर यू लाइक इट। ये देखें, देखा आपने, बहुत ही मज़ेदार सी साबूदाना की खीर, हमेशा चावल से बनाते हैं, ये भी ट्राई करिएगा रेसिपी, और दूध नीचे लग ना जाए कंटिन्यूसली, इसको आप चमचा चलाते रहिएगा। जब भी इस तरह के कोई मीठे बनाएं तो छोटे छोटे कोई डिशेस में निकालिए। मैंने आज छोटे छोटे, मेरे पास यहाँ डिज़र्ट ग्लासेस हैं, उसको निकाला हुआ है और उसमें हम निकालेंगे इसको, ठीक है जी। तो इसको मैं बिल्कुल ठंडा करूँगी, अभी नहीं कुछ भी डालेंगे, अभी स्ट्रॉबेरीज नहीं डाल दीजिएगा। ये देखें, कंसिस्टेंसी इस तरह की हो तो फिर चूल्हा बंद कर दीजिएगा, क्योंकि जब ये ठंडा होगा ना दूध, तो और भी मज़ीद ये गाढ़ा हो जाएगा और जो साबूदाना है वो उसको जज्ब कर लेगा। अभी से आपको देखें, थोड़ा सा अभी बाकी है, इसके लिए मैंने चूल्हा बंद कर दिया है, इसी में हो जाएगा। साबूदाना कच्चा नहीं रखिएगा। आई डोंट नो हम साबूदाने से क्यों कोई चीज़ें नहीं बनाते हैं, दुनिया में इतनी सारी रेसिपीज़ हैं साबूदाना के साथ, लेकिन आई थिंक हमारे मुल्क में या हमारे रीजन में हम बस सिर्फ साबूदाना तब खाते हैं जब पेट ख़राब हो जाता है, तो ये सिर्फ नहीं करिएगा। एक कॉलर हैं हमारी, रेगुलर कॉलर मेमुना बतूल डीजी खान से, उनसे करते हैं अब बात। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है जी? अल्लाह का शुक्र, आप ठीक है? मैं ठीक हूँ, आपके सामने, फरमाइए। हाँ जी बिल्कुल, आपकी रेसिपी आज बहुत अच्छी है, दोनों ये ट्राई करिएगा साबूदाने वाली। जी जी जरूर बनाइएगा जी, आप तो बहुत प्यारी भी लग रही है आज। थैंक यू सो मच, थैंक यू। अब बिलीव करें मुझे तेज बुखार, मैं आपका शो देख रही हूँ। क्या करूँ, मुझे तेज बुखार है, अरे मैं आपका शो देख रही हूँ। अच्छा, ओहो भाई, जल्द ठीक हो जाइएगा, सर्दी होगी वहाँ तो बहुत। नहीं इधर आप अल्लाह का शुक्र है, धूप निकल रही है। अच्छा ओके, ठीक है जी जी। वायरल फ्लू हुआ होगा? पता नहीं, शुगर है, ब्लड प्रेशर, बुखार, बहुत सारी बीमारियां। ओहो हो भाई। ओके, अपना ख्याल रखिएगा इंशाल्लाह, और मैं कराची भी आने की कोशिश करूंगी। अच्छा ओके, ठीक है, थैंक यू, जरूर मुलाकात करिएगा, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू जी। ये देखें, कैन यू सी, क्या मैंने बंद कर दिया है चूल्हा, फिर भी ये स्टर करे जा रही हूँ मैं, और इसको अब मैं निकालूँगी एक डिश में, एक बोल में, और उसको हम बिल्कुल ठंडा करेंगे, फिर बाद में जब शो ख़त्म होगा ना, तब हम बिल्कुल एंड में इसको ग्लासेस में निकालेंगे, बादाम पिस्ते डालेंगे, स्ट्रॉबेरी स्लाइस करके रखेंगे और आपको हम ये दिखाएंगे, ठीक है जी। तो फिर हम ऐसे करते हैं, ब्रेक की तरफ चलें, क्या ख्याल है? अभी नहीं, अच्छा ठीक है, ओके। बस इसको मैं ज़रा, कभी भी कोई भी डिज़र्ट बनाएं दूध का हो, ये याद रखिएगा दूध फिर जज्ब कर लेगा, ओके। सो दूध को आप बहुत ज़्यादा भी नहीं पकाइएगा, अच्छा इस स्टेज पे आप चख लीजिएगा, अगर आपको लगे कि थोड़ा सा कम मीठा है आप और मीठा डाल सकते हैं, लेकिन जो हिसाब का होता है वही मैं लिखती हूँ अपनी रेसिपी में, ज़्यादा मीठा भी अच्छा नहीं होता है, होता है मीठा अच्छा एवरी टाइम, मैं तो खाने के बाद थोड़ा सा मीठा कुछ खाती हूँ, लेकिन आप ओवरली स्वीट खाना नहीं, खाने के बाद मीठा नहीं खा सकते हैं, इट्स नॉट गुड फॉर हेल्थ, और वैसे भी नहीं खाया जाता है, तो बिल्कुल वो एक बैलेंस्ड मीठा बनाइएगा, ठीक है। बस इसको मैं ज़रा थोड़ा सा इसी में चमचा चला रही हूँ, और फिर मैं इसको बोल में निकाल के फ्रिज में रख दूँगी, और उसके बाद फिर हम ब्रेक की तरफ चलेंगे, और मैं रिकैप भी कर दूँ मैंने क्या किया था। 3/4 कप मैंने साबूदाना लिया था, और 1 कप भर के मैंने पानी लिया था, उसमें भिगो के रख दिया, 3-4 घंटे तो ज़रूर भिगोइएगा। 1 लीटर दूध लिया, उसको आपने उबालने रख देना है, आधा जितना हो जाए तो आधा कप चीनी डाल दीजिएगा, आधा टीस्पून इलायची का पाउडर डालिएगा, छोटी हरी इलायची का, और ये साबूदाना आप डाल दीजिएगा। जब ये पक जाए, थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए, इस तरह देखें, ये उठा के देखिएगा, ऐसे डालेंगे ना तो ऐसे गिरना चाहिए। अलग से एक सॉस पैन में मैंने स्ट्रॉबेरीज लिए थे, 1 कप जितने ले लीजिए, और उसमें आप आधा कप जितनी चीनी डाल के उसको पका के सॉफ्ट हो जाए, बिल्कुल मशी से हो जाए, तो आप रख दीजिएगा उनको फ्रिज में। ठंडा करना ज़रूरी है दोनों चीज़ों को, ये याद रखिएगा। तो उसके बाद फिर आपने ये देखें ये पूरा निकाल दिया, अच्छा इसमें थोड़े से मैंने बादाम पिस्ते भी डाल दिए थे चॉप करके, या पाउडर फॉर्म में डाल दीजिए, अगर बच्चे चॉप देख के नहीं खाएंगे तो, कुछ बच्चे कहते हैं नखरे के, नहीं भाई नट्स वट्स नहीं खाने हैं, तो उनके लिए आप खिलाना तो है हमने कुछ भी करके, तो फिर आपने उसको छुपा के खिलाना है, तो आपने पीस देना है, फिर
इसमें कोई रंग डाल के आप यहीं स्टॉप करना चाहें तो आप यहीं स्टॉप कर दीजिए, रंग डाल दीजिए। अगर आपको स्ट्रॉबेरीज़ के सीज़न में डालना है, मैंगो के सीज़न में आप मैंगो डाल सकते हैं, ठीक है। तो इसको आप ग्लासेस में निकाल सकते हैं और फिर जब ठंडे हो जाएँ, सेट हो जाएँ, फिर आप वो स्ट्रॉबेरी वाला पार्ट डाल सकते हैं, आप वो भी कर सकते हैं। सो मैं ग्लासेस ले आऊँ ज़रा और उसके बाद फिर मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ मेरे पास कौन से ग्लासेस हैं। देखें, इस तरह के हैं मेरे पास, ठीक है। जब ये ठंडा हो जाएगा तो आप स्ट्रॉबेरी को मिक्स करके इसके अंदर डाल सकते हैं, या फिर आप इसको आधा जितना भरिए, इतना तीन चौथाई जितना भरिए, और फिर ऊपर आप वो जैम रख सकते हैं, ठीक है जी। आई थिंक विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए और देखते रहिए फूड डायरीज ओनली ऑन मसाला टीवी। सागू खीर अज्जा, सागू तीन चौथाई कप, दूध एक लीटर, चीनी आधा कप, पिसे इलायची आधा चाय का चम्मच, स्ट्रॉबेरी स्लाइस्ड एक कप, चीनी दो खाने के चमचे, पिस्ते और बादाम गार्निश के लिए। जी वेलकम बैक। देखें, ये ग्लासेस मिलते हैं आपको मार्केट में नाजरीन, इस तरह के डिज़र्ट ग्लासेस मिलते हैं, प्लास्टिक के होते हैं। इसमें गरम गरम एकदम से नहीं डाल दीजिएगा, ठीक है। इस तरह के शेप के भी हमारे पास हैं, फिर इस तरह हार्ट शेप के हैं, बहुत सारे मिलते हैं, छोटे भी, इससे छोटे भी मिलते हैं। कुछ तो ऐसे मिलते हैं जिसमें चम्मच ही आप ना डाल सको, तो फिर आप कैसे खाओगे, वो नहीं खरीदिएगा। अब इसको आप, मैंने क्यों इस तरह रखा है, मैं सोच रही हूँ कि जो हार्ट वाले हैं उनको हम रेड बनाएंगे, सो जो प्लेन साबूदाना की जो खीर है वो हम इसमें निकालेंगे, ठीक है, और उसके ऊपर हम स्ट्रॉबेरीज डाल देंगे। ये वाला जो है उसमें हम वो स्ट्रॉबेरी का कॉम्पोट जो मैंने बनाया था वो मिक्स करेंगे, और फिर या आप ऐसे भी कर सकते हैं कि कुछ में सिर्फ आप नट्स डालें, कुछ में आप स्ट्रॉबेरीज डालें, कुछ में आप कोई भी फ्रेश फ्रूट, अभी आजकल ऑरेंजेस भी हैं, वो भी आप ऊपर से डाल सकते हैं, या ऑरेंज का थोड़ा सा जैम बना के ऊपर से डाल सकते हैं। सो बहुत सारे वेरिएशंस हैं डिज़र्ट में, तो यू द स्काई इज़ द लिमिट कहते हैं, ठीक है। सो अपना दिमाग भी थोड़ा सा इस्तेमाल करिए, थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। चलिए, बातें तो ज़ारनक बहुत सारी करती रहेगी, अभी गार्लिक बटर फिश भी तो बनानी है, और उसके लिए मेरे पास यहाँ मछली है, और मछली को कांटा चमड़ा निकाल के इस तरह के क्यूब्स में कटवा दिया था मैंने, ठीक है। आप कोई भी फिश ले लें, वॉट एवर फिश यू वॉन्ट टू यूज़। सुरमई बहुत महंगी हो गई है, रेड स्नैपर थोड़ी सी कम है, हमूर थोड़ी सी कम है, तो आप जिस तरह भी, आपको जो भी लेना है। अब इसमें मैं सबसे पहले लहसुन डालूंगी, इसमें हम लहसुन का पेस्ट, लहसुन क्रश्ड और ग्रीन गार्लिक सब कुछ डाल रहे हैं। अब इसमें हम डालेंगे काली मिर्चों का पाउडर। नंबर्स हमारे चल रहे हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं, ओके। सो नमक भी चला गया, कुटी हुई काली मिर्चें भी आप डाल दीजिए, और हर चीज़ को आपने मिक्स कर देना है। फिर आपने इसको मक्खन में पकाना है। साउंड्स डिलिशियस, ट्राई करिएगा ज़रूर। नॉर्मली हम हमेशा बादाम की खीर, चावल की खीर बनाते हैं, आज साबूदाना वाली भी ट्राई करके देखिएगा। सो सबसे पहले फिश को मैरिनेट करके छोड़ दीजिए लहसुन, काली मिर्चें और नमक के साथ। इसमें अब आप पैन में मक्खन लीजिए, ये पीला वाला मक्खन है हमारा, और उसको आप मेल्ट कर दीजिए। ये कोकोनट मिल्क पाउडर है, सैशे एक खोल के मैंने यहाँ रख दिया है, इसको मुझे थोड़े से पानी के साथ घोलना है। सो एक बड़े से बोल में ले लेते हैं, इसको कभी भी डायरेक्टली नहीं डालिएगा, पानी में घोल के डालिएगा, और अगर मुझे, एक्चुअली आज हमारा सेट नहीं है ना, मेरे सेट पे कुछ काम हो रहा है, सो मैं दूसरे सेट पे हूँ, सो आई हैव टू सर्च, वो नया किचन है मेरे लिए। विस्क विस्क, थैंक यू। लहसुन और हरा लहसुन, और फिर ये फिश, ठीक है। इसमें क्रीम जाएगा, थोड़ा सा कसूरी मेथी जाएगी, ये देखें घर की कसूरी मेथी है, बाहर की तो कसूरी मेथी में ना खुशबू है ना कुछ, तो आप सोचेंगे अब घर में भी मैंने कसूरी मेथी भी बना ली है, कैसे किया मैंने, ये मैंने इस तरह किया। बहुत सारी बड़ी वाली जो मेथी होती है वो आप घर लाइए, उसको आप
अच्छी तरह धोइए, सुखाइए, अवन ऑन करिए और अवन में रख दीजिए, अवन बंद कर दीजिएगा, ठीक है। 10-15 मिनट गर्म हो अवन, फिर उसको स्विच ऑफ कर दीजिए, उसको रख दीजिए ट्रे में फैला के, और सूख जाएगी जब वो, तो हाथ से क्रश करके बॉटल भर के रख दीजिए। मैं ऐसे ही करती हूँ और बहुत अच्छी रहती है पूरा साल। परिया हैं एक कॉलर, उनसे बात करते हैं बहावलपुर से। हेलो हेलो, लहसुन डाल दिया। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? अपने टीवी का वॉल्यूम बंद कर दीजिए प्लीज़, मुझे अपनी आवाज़ आ रही है, मुझे अपनी आवाज़ आ रही है, लाइन कट जाएगी। थैंक यू सो मच। जी फरमाइए। जी आप बहुत अच्छी अच्छी डिशे बना रही हैं, हम देखते हैं आपका शो बहुत शौक से। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और ना मैंने मतलब ये कहना था कि आप अपने शो पर फिश बिरयानी बना के दिखा सकते हैं? फिश बिरयानी, प्रॉन बिरयानी दोनों मैंने बनाई हैं। आप ऐसे करिए, फिश बिरयानी बाय ज़ारनक सिद्वा लिखिए गूगल पे या नेट पे, और फिर उसको आप देखें और बनाइए। ठीक है, ठीक है, आपके लिए दोबारा किसी दिन बनाएंगे, लेकिन मैंने बनाई है ऑलरेडी। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए, बहुत बड़े फैन है। थैंक यू जी, देखिएगा शो और ट्राई भी करिएगा। ओके, जब भी मैं मतलब आपकी रेसिपीज देखती हूँ, मतलब मैं ट्राई भी करती हूँ, मम्मा को भी बताती हूँ, मतलब दादी का मैं शो देखती हूँ, मम्मा भी बहुत खुश होती है, देखा करो कुछ सीखने को मिलेगा। जी थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज। ओके जी, मक्खन पिघल गया, उसमें आपने लहसुन शामिल कर दिया, ये हरा लहसुन है, ये हरा लहसुन आपने इसमें डाल दिया, ठीक है। और मैंने चूल्हा बंद कर दिया था बिकॉज वो फिर बातें कर रही थी ना, मक्खन कहीं जल ना जाए। यहाँ रखते हैं इसको। अच्छा जी, अब इज़ द टाइम टू पुट द फिश। नमक, लहसुन और काली मिर्चें, और कुछ भी नहीं था, और मछली। ठीक है जी, हमेशा मछली का सालन बना के खाते हैं, कुछ अलग अलग तरीक़ों से भी चीज़ें खाया करें, बनाया करें, देखा करें। अब क्या रहता है, ऊपर से थोड़ा सा पार्मेजान चीज़ जाएगा, ये है कोकोनट मिल्क। फ़िश को आप ऐसे ही स्टर कर दीजिए, ऊपर नीचे कर दीजिए, ये फौरन हो जाएगी, इतनी सी तो मछली है। कांटे वाली मछली के साथ ये डिश नहीं बनाइएगा, इस तरह टिक्का पीसेस करवा लीजिए या फिले करवा लीजिए, या मैंने आज क्यूब्स कर दिए हैं। कुछ अलग अलग तरीक़ों से भी आप चीज़ें, गोश्त मछली कटवाएंगे ना, तो उससे भी मज़ा आएगा, डिफरेंट लगेगा, है ना। ये देखा आपने, और पानी बहुत सारा नहीं लीजिएगा इसको घोलने में। कोकोनट मिल्क पाउडर का एक सैशे लिया था, से 1/4 कप जितना पानी लिया था, और उसको पहले हमेशा एक बोल में डाल के इस तरह विस्क के साथ, गुठलियाँ ना बने, इस तरह कर दीजिएगा। अच्छा, हमारा नंबर्स चल रहे हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, कुछ कहना हो, पूछना हो, कुछ बताना हो, कुछ आपने हमारी रेसिपीज़ ट्राई की, अगर आपने हमारी कोई रेसिपी ट्राई की और उसमें कोई वेरिएशन दिया, अपना कोई स्टाइल डाला, तो ज़रूर फिर हमारे साथ भी वो शेयर करिएगा, हमें भी फ़ायदा होगा, हम भी आपसे कुछ सीखेंगे, और हमारे दूसरे कॉलर्स हैं, व्यूअर्स हैं, वो भी देख रहे होंगे शो, वो भी कुछ सीखेंगे, है ना। कोई नॉलेज हो तो उसको हमेशा बांटना चाहिए, अपने पास छुपा के नहीं रखना चाहिए। चलिए, मछली के पीसेस आपने अच्छी तरह मक्खन में, लहसुन में, लहसुन के पेस्ट में, और हरे लहसुन के साथ, नमक काली मिर्चों के साथ, इस तरह आपने पूरा सॉटे कर दिया। हम लोग पूरा साल मछली खाते हैं, लोग कहते हैं सिर्फ सर्दियों में खाया करें, नॉट ट्रू, पूरा साल। ये हो गया, अब इसमें मैं ये कोकोनट मिल्क डाल दूंगी पानी के साथ, जो मैंने घोल के अलग से एक बोल में रखा था, ठीक है जी। और फिर आप इसको इसी में पकने दीजिए, फिर जब ये हो जाएगा, इसमें एंड में हम थोड़ा सा क्रीम डालेंगे, कसूरी मेथी ऊपर से ऐसे करके स्प्रिंकल करेंगे, और थोड़ा सा पार्मेजान चीज़ डालेंगे। और जब तक ये हो रहा है, लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक, स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग फूड डायरीज ओनली ऑन मसाला टीवी।
गार्लिक बटर फिश, अज्जा कटी मछली चंद टुकड़े, लहसुन का पेस्ट एक खाने का चमचा, इसी काली मिर्च एक खाने का चमचा, नमक हसबे जायका, कोकोनट मिल्क एक कप, क्रीम एक कप, मक्खन दो खाने के चमचे, बारीक कटा लहसुन दो जवे, हरा लहसुन चॉप तीन डंडियां, सूखी मेथी एक चाय का चमचा, पार्मेजान चीज एक चाय का चमचा। जी देखें ये ठंडा हो गया है और मैंने इनमें ना उसको मैं प्लेन ही रखना चाह रही हूँ, सो दैट्स व्हाई आई सेड कि मैं इनमें सिर्फ इस तरह निकाल के आपको दिखाऊंगी। आप इसमें कोई नट्स भी डाल सकते हैं इफ यू लाइक, यू कैन ऐड अ फ्यू नट्स, कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी तरीके से कर सकते हैं डेकोरेट, कोई ज़रूरी नहीं है कि मैंने जैसे किया है वैसे ही आपने करना है, आप मुझसे बेहतर कर सकेंगे, आपके पास टाइम होगा। ठीक है ये हो गया हमारा। अच्छा अब हम क्या करेंगे कि इसके लिए मैंने कहा था ना रेड इसको कर देंगे जो जैसे एक्चुअली रेसिपी में है, सो ये आपने लिया दोनों जब ठंडे हो जाएं तब, और आपने इसको इसमें डाल दिया। ठीक है अगर आपको स्ट्रॉबेरीज के साथ नहीं करना है तो इस तरह मैंने आपको प्लेन से साबूदाना की खीर भी निकाल के दिखा दी कि आप उस तरह भी डेकोरेट कर सकते हैं, सर्व कर सकते हैं अपने घर वालों को, मेहमानों को। फिश की रेसिपी की तरफ आएंगे, ज़रा पहले मैं उसको कर दूँ। जी फरमाइए आप, कॉलर हैं फातिमा, हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम जरना जी। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? ठीक हूँ, बहुत पुरानी कॉलर हूँ। जी फरमाइए बोलिए। बस आज दिल किया कि आपसे बात करूं कि कितना अच्छा शो मजीद तरक्की कर गया है। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों की वजह से, आप लोग हैं तो हम हैं, आप लोग देखते हैं सराहते हैं, लेकिन हम लोग मिस कर देते हैं काफी अरसा। अच्छा। क्योंकि इंसान की जब थोड़ी एज हो जाती है तो मतलब छोड़ जाता है, लेकिन जब आपको दोबारा खिलखिलाता मुस्कुराता देखते हैं तो फिर दिल करता है कि दोबारा कॉल की जाए। अरे वाह क्या बात है, तो जिंदगी में मुस्कुराते ही रहना चाहिए ना जी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह मुस्कुराएंगे। ये आज जो आप खाना बना रही है बहुत ही अच्छा बना रही है, ये स्ट्रॉबेरी तो बस आप बहुत कमाल की ना, ये बहुत अच्छा बना रही है। थैंक यू जी, बहुत आपने पहले भी बहुत कुछ बनाया है, बहुत ही अच्छा अच्छा बनाया है, और जो आप आज बता रही ना साबूदाना खीर, मैं शेयर करूंगी कि साबूदाना की खीर का बहुत ही फायदा है, मुझे अब पता चला है। जी जी, पहले हम लोग ना सिर्फ बच्चों को खिलाया करते थे ना साबूदाना की खीर जी, जी, पंजाब में जी, तो अब तो ना बता रहे हैं कि हड्डियों के लिए इतना फायदेमंद है साबूदाना की जिसकी कोई हद नहीं जी। हम जैसे लोग जिनको हड्डियों को प्रॉब्लम है, यूरिक एसिड है, तो वो लोग रात को सोते वक्त खाएं, ठीक है, तो बहुत फायदा देगा साबूदाना। बहुत शुक्रिया, यही कहना था मुझे। तो आप इसी तरह तरक्की, आपका सारा चैनल जो सारे शो बहुत अच्छे हैं, तो आप इसी तरह तरक्की करते रहें। बहुत शुक्रिया, बिल्कुल हमारा चैनल देखते रहिएगा, इसी तरह हमारा साथ दीजिएगा, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। अच्छा जी, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। ठीक है, मैंने इसको स्ट्रॉबेरी के साथ किया है, एज आई सेड आप किसी भी और फ्रूट के साथ कर सकते हैं, प्लेन करना है, सिर्फ नट्स के साथ करना है, तो मैंने इसलिए आपको वो एक वेरिएशन भी सिखा दिया आज। अब आप पे डिपेंड करता है आपको किस तरह करना है, मगर ये याद रखिएगा कि इस तरह के अगर ग्लासेस में निकाल रहे हैं तो एकदम गर्म 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 नहीं निकालिएगा, पूरे क्रैक हो जाएंगे, और साफ़ करते जाइएगा, एक दफ़ा वो सेट हो जाएगा फिर साइज इसके साफ़ नहीं होंगे। अच्छा मछली हमारी हो गई थी और मैंने चूल्हा बंद कर दिया था बिकॉज आई वॉन्टेड कि आप लोग आएँ और हम लोग इस चीज़ के साथ निपट लें, ये वाली रेसिपी के साथ, फिर हम उस पर जाएँ, ठीक है। सो वन एट अ टाइम, कोई जल्दी नहीं है, अभी टाइम है ना, अभी टाइम है, किस चीज़ का, एक मिनट का, अच्छा ब्रेक, मैं समझी आप मुझे घर भेज रहे हैं जल्दी आज, ओ अच्छा अच्छा मैं अपने डायरेक्टर साहब को बेचारे को बहुत तंग करती हूँ, माफ़ कर दीजिएगा। चलिए इसमें क्रीम डालना है, चूल्हा बंद है, ओके। और सिर्फ मिक्स करना है, जस्ट मिक्स इट ऑल टुगेदर, यमी मज़ेदार सा ये गार्लिक की सॉस बन जाएगा, आपने ट्राई ज़रूर करना है। और अब इसमें जाएगी कसूरी मेथी इस तरह की घर वाली, और चेडर चीज, पामेजान चीज़ हम बाद में डालेंगे, ठीक है। ये आपने अच्छी तरह मिक्स किया और हम इसको डिश में निकाल देंगे, सो आप एंजॉय करेंगे ये मज़ेदार सा गार्लिक सॉस जिसमें हमने चॉप्ड गार्लिक, गार्लिक पेस्ट, ग्रीन गार्लिक सब कुछ ही डाला है। हरा लहसुन सिर्फ लोग रोटियों में डालते हैं
या वो मेमनी डिश एक बनाते हैं, लहसुन उसमें डालते हैं, दूसरी कोई सी चीज़ में डालते नहीं हैं। मुझे तो अंडे बहुत पसंद है इसके साथ, ट्राई करके देखिएगा, ठीक है जी। बस मिक्स हो गया और देखें गरम गरम अगर मैं डालती इस सॉस के अंदर क्रीम को तो क्रीम फट सी जाती है। अब देखें बिल्कुल फटी नहीं है ये। इसको मैं डिश में निकालूंगी और हम फिर इसको हरे लहसुन के साथ, ये देखें हरा लहसुन है ना ये वाला, इसके इसको ज़रा निकाल के अच्छी तरह साफ़ करके इसके साथ डेकोरेट कर देंगे और थोड़ा सा पामेजान चीज़ ऊपर डाल देंगे। सो आई पुट ऑल दिस ईयर। अब मैं सोच रही हूँ कि मैं इसको डेकोरेट भी कर दूँ, सो आई डू दैट ऑल्सो। और रिकैप ब्रेक की तरफ चलते हैं, स्टे ट्यून्ड। गार्लिक बटर फिश अज्जा, कटी मछली चंद टुकड़े, लहसुन का पेस्ट एक खाने का चमचा, इसी काले मिर्च एक खाने का चमचा, नमक हसबे जायका, कोकोनट मिल्क एक कप, क्रीम एक कप, मक्खन दो खाने के चमचे, बारीक कटा लहसुन दो जवे, हरा लहसुन चॉप तीन डंडियां, सूखी मेथी एक चाय का चमचा, पामेजान चीज़ एक चाय का चमचा। तरकीब, कटी मछली को लहसुन काले मिर्च और नमक से मैरिनेट करें, एक पैन में मक्खन हरा लहसुन मछली कोकोनट मिल्क और क्रीम डालकर पकाएं कि वो तैयार हो जाए, आखिर में सूखी मेथी और पामेजान चीज़ से गार्निश करके सर्व कर दें। सागू खीर अज्जा, सागू 3/4 कप, दूध 1 लीटर, चीनी आधा कप, पिसे इलायची आधा चाय का चमचा, स्ट्रॉबेरी स्लाइस्ड 1 कप, चीनी 2 खाने के चमचे, पिस्ते और बादाम गार्निश के लिए। तरकीब, 1 कप पानी में सागू को 3 से 4 घंटे भिगो दें, स्ट्रॉबेरी कंपोट के लिए स्ट्रॉबेरीज और चीनी को एक सॉसपैन में पकाएं कि चीनी पिघल जाए और स्ट्रॉबेरीज नरम हो जाएं। अब इन्हें रूम टेम्परेचर पर ठंडा कर लें, दूध को एक उबाल दें, दरमियान में मुसलसल स्टर करते जाएं, फिर इन्हें दम दें और कम होने दें, फिर भीगे हुए सागू शामिल करके पकाएं कि खीर गाढ़ी हो जाए, स्टर करते जाएं। अब इसी इलायची और चीनी डाल के मजीद 5 मिनट धीमी आंच पर पकाएं, खीर का चूल्हा बंद करके रूम टेम्परेचर पर ठंडा कर लें, दूध मिक्सचर और स्ट्रॉबेरीज मिक्सचर रूम टेम्परेचर पर रखकर मिक्स करें, ऊपर नट्स डालकर रेफ्रिजरेटर में रख दें यहाँ तक कि वो ठंडा हो जाए। जी वेलकम बैक। देखें फ़िश को मैंने यहाँ निकाल दिया है, थोड़ा सा आप इसके ऊपर पामेजान चीज़ ऐसे छिड़केंगे और हरा लहसुन के साथ सजा के आप इसको पेश कर देंगे, ठीक है जी। ट्राई करिएगा रेसिपी और हमें फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अच्छा जी, 3 अलग तरीक़ों से मैंने निकाला है। एक मैंने थोड़े से बड़े से बोल में निकाल दिया है, साबुदाना वाली खीर जो हमने बनाई है जिसमें हमने स्ट्रॉबेरी को मिक्स किया था, एक हमने प्लेन रखा है ऊपर नट्स और स्ट्रॉबेरीज़ के साथ डेकोरेट किया है, इसको हार्ट शेप के डिशेज़ में निकाल दिया है। इसी तरह रेसिपीज़ ट्राई करिएगा, फीडबैक दीजिएगा। कॉल करने का बहुत शुक्रिया, जो लोग हमारा शो देखते हैं उनका भी बहुत शुक्रिया, तहे दिल से शुक्रिया। आप लोग हमारे साथ रहते हैं, हमारे साथ ट्यून इन रहते हैं 3 से 4 लाइव सैटरडे संडे, हफ्ता इतवार मेरा शो होता है। थैंक यू सो मच जी, आप लोग हैं तो हम हैं। अच्छा लगता है कि आप लोग हमें सराहाते हैं, हमारा शो देखते हैं, हमारी रेसिपीज़ ट्राई करते हैं, बहुत अच्छी बनती हैं आपके घर में। आपके पास तो और भी मज़ीद टाइम होता है, हमारे पास तो टाइम का लिमिटेशन होता है कि 1 घंटे में लाइव हमने 2 रेसिपीज़ करनी होती हैं, बाज़ वक्त 3, बाज़ वक्त 4 भी मैं करती हूँ। सो आई एम रियली हैप्पी कि आप लोग सब हमारे साथ हैं और इसी तरह रहिएगा, ठीक है। और कल मुलाकात होगी लाइव शो पे 3 बजे, देखना मत भूलिएगा, मज़ेदार सी रेसिपीज़ कल भी हैं। और फिर अगले हफ्ते आतवार एक्सपो सेंटर कराची ज़रूर आइएगा और वहाँ हम सब की मुलाकात आप सबसे होगी। वहाँ बहुत अच्छी चीज़ें हैं, बहुत बड़ा फूड एरिया है, फूड कोर्ट है, उसके साथ साथ बहुत सारे शोज़ हैं, लाइव कॉन्सर्ट है, हमारी सारे शेफ्स की लाइव कुकिंग होगी, उसके साथ साथ आप हमें मिल सकते हैं, प्राइजेज़ हैं, गिफ्ट्स हैं, ऑटोग्राफ ले सकते हैं, सेल्फीज़ खिंचवा सकते हैं, तो ज़रूर आइएगा। सुबह 11 से रात 10 बजे तक हम सब वहाँ होंगे। अब आप दीजिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त, जाते जाते याद रहे कि मसाला है तो खाने में है मज़ा। खुदा हाफिज़।
adds some masala to your life.